क्या पद और कुर्सी के साथ किसी को कानून की धज्जियां उड़ाने का भी अधिकार मिल जाता है? बलिया से एसडीएम साहब की लाठी चार्ज की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो तो कम से कम यही सोचने पर मजबूर कर रही है। एसडीएम साहब और उसके साथ मौजूद पुलिसकर्मियों की टोली ने ना बुजुर्ग देखा ना जवान, बस बजाते रहे लाठी पे लाठी। अब एसडीएम साहब की ये गुंडाई क्यों सामने आई, ये आपको पूरी खबर बताएं। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक और बेल आइकन को भी प्रेस करें। दरअसल बलिया के एसडीएम साहब कोरोना काल में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने निकले थे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर एसडीएम और उनके पुलिसकर्मियों ने देखिए सारे बाजार कैसी दहशत फैला दी, लाठियों की बरसात शुरू कर दी। कई लोग लहूलुहान हो गए, जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा था उन्हें जमकर पीटा गया, एक दुकानदार का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। अब सवाल ये उठता है कि मास्क न पहनने पर जुर्माना लिया जा सकता है, लेकिन पद पर कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लोगों की पिटाई, लाठी मारने का हक मास्क जैसी मुहिम के लिए ना पुलिस के पास है ना प्रशासन के पास। खैर, तस्वीरें सामने आने के बाद एसडीएम को राजस्व परिषद में संबद्ध कर दिया गया है, लेकिन लोगों की मांग है कि एसडीएम साहब पर एफआईआर तुरंत दर्ज होनी चाहिए। लेटेस्ट वीडियोस के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें न्यूज़ इन शॉर्ट।